एंड ओके भाई, फाइनली रेडी है हमारा एक गेमिंग रूम। एंड भाई अब देखना है कि आखिर इसका कितना ज्यादा रेंट होने वाला है। तो चलो फटाक्स में आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई इसमें पूरे $2,000 का खर्चा हुआ है। लेट्स गो भाई, क्या बात है। तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ मोटल मैनेजर सिमुलेटर। तो गाइज यार, आज वाली गेम प्ले वीडियो में हम लोग करने वाले अपने फोर्थ रूम को कंप्लीट। लेकिन भाई हम लोग इसको बनाने वाले हैं एक गेमिंग रूम। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं गेमिंग रूम में। एंड भाई आप डोर से ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मैंने कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें मंगाई है। भाई मैंने इस रूम के लिए पूरे $1,500 का खर्चा किया है। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सामान दिखा देता हूँ जो कि भाई मैंने मंगाया है। मतलब कि भाई ऐसे ही सामान मैंने सब बिखरा पड़ा है, मतलब भाई बेड एंड बहुत सारी चीजें मंगाई इसके लिए। लेकिन भाई मेरे हिसाब से अभी तो YouTube पर किसी ने भी गेमिंग रूम नहीं बनाया है अपने मोटल मैनेजर सिमुलेटर के अंदर। तो भाई हम लोग वही करने वाले हैं, हम लोग आज गेमिंग रूम बनाएंगे। एंड भाई ये गेमिंग रूम होने वाला है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। मतलब कि भाई मैंने कोशिश करी कि भाई इस रूम में हम लोग एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीजें लगा पाए। एंड भाई जो कि हमारी गेमिंग रूम को एक अच्छी सी थीम दे। तो भाई कुछ कुछ मैंने डेकोरेशन वाली चीजें मंगाई है। तो भाई आपको वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई ये वाला रूम काफी ज्यादा क्रेजी बनने वाला है। तो चलो भाई हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर देते हैं अपनी पेंटिंग से। फिलहाल तो मैंने साफ सफाई तो करी दी थी, लेकिन भाई हमारा फ्लोरिंग के टाइल्स यहीं पर पड़े हुए हैं, तो भाई इनको फटाक से लगा देते हैं, क्योंकि भाई मे भी यहाँ पर फ्लोरिंग हम लोगों को इस टाइप की अच्छी लगने वाली है। ठीक है, बट हाँ मैंने फ्लोरिंग के टाइल्स के अलावा इसमें कुछ ऐसे यूनिक टाइल्स भी मंगाए हैं जो कि भाई आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगे। फिलहाल तो अपने डिलीवरी बॉय को यहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका रहने का कोई फायदा नहीं है। एंड भाई अब हम लोग उठाते हैं अपनी कार्ड को जहाँ पर हमारे सारे टाइल्स पड़े हुए हैं, इसको लेके चलते हैं भाई अपने सीधे रूम के पास, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इसमें हमारे सारे टाइल्स है। एंड भाई आप ये वाला टाइल देख रहे हो जिसमें थोड़े रॉकेट्स वगैरह बने, ये टाइल मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे खासकर अपने गेमिंग रूम के लिए। तो मैं जस्ट आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ, ये है वॉल टाइल। एंड भाई आप इसकी जरा लुक देखना, एंड देखो भाई कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ये वाले टाइल। बट हाँ मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इसको एक ही साइड रखें, मतलब कि बाकी साइड हम लोग मतलब व्हाइट कर देंगे ताकि भाई अच्छी लगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर हम लोग पूरे में ये वाले टाइल्स लगा देंगे तो उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा। बट ऑफकोर्स अगर हम लोग इनकी साइडें व्हाइट कर देंगे देन भाई ये काफी ज्यादा निखर के आने वाला है। एंड ओके अब हम लोग अपने उठाते हैं सीलिंग के टाइल्स। एंड सीलिंग के टाइल्स मैंने थोड़े ब्राउन कलर के मंगाए जो कि भाई जब लाइटिंग हमारी यहाँ पर होगी तो काफी ज्यादा मस्त लगने वाले हैं। एंड लेट्स गो। ओके भाई हमारा एक तो कंप्लीट हो चुका है, इसको भी लगा देते हैं, देखते हैं कि भाई हमारी सीलिंग कंप्लीट होने पर कैसा लगता है। एंड अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है, आपको मोटल मैनेजर सिमुलेटर की वीडियोस अच्छी लगती है, देन वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इस टाइप की क्रेजी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। ओके भाई हमारा ये भी नहीं पड़ चुका है, अब फटाक से हम लोग उठा के लाते हैं अपना पेंट जो कि हमारे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। एंड उस पेंट को करने के बाद हम लोग जस्ट लगा देंगे लाइटिंग ताकि भाई आपको समझ आ पाए कि आखिर ये रूम दिखने कैसा वाला है। एंड मैं इस पे करूंगा थोड़ा सा व्हाइट एंड ब्लूइश कलर का पेंट। ठीक है तो चलो भाई इनको लेके चलते हैं। एंड भाई इसको भी उठा लेते हैं। ओके भाई दोनों को उठा लिया। एंड अब लेके चलते हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे दो बकेट में हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग को ज्यादा बॉल्स नहीं करनी है, हम लोग सिर्फ तीन साइड की बॉल्स करनी है, तो इतने में बहुत ही इजीली निपट जाएगा। ओके फटाक से निकालते हैं अपना पेंटिंग ब्रश एंड भाई इससे ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड भाई ये काफी जल्दी होने वाला है। एंड ओके भाई हम लोग पेंट कर ही रहे हैं, लेकिन भाई जब तक हमारी शॉप पर कस्टमर आ चुका है। एंड भाई मेरी शॉप पर कुछ सारा सामान तो बचा नहीं, ये लोग खरीदने क्या रहे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलो कोई ना इनको भी निपटा ही देंगे थोड़ी देर में, एक सेकंड। ओके भाई इनका टाइम खत्म हो रहा है। एंड भाई जब इनका टाइम खत्म होता है ना तो भाई इतनी ज्यादा गाली देके जाते हैं, मींस भाई ये लोग रेटिंग करा देते हैं। भाई अभी फिलहाल तो मैंने काफी ज्यादा गंदगी यहाँ पर साफ नहीं करी, बट एक सेकंड भाई ये झाड़ू पोछा अंदर रखो, वरना कस्टमर कहेगा भाई क्या मारने पीटने आया। एंड ओके भाई एक ये मैडम भी रह रही है। एंड भाई इन्होंने केक लिया है। एंड भाई हम लोग को भाई अभी हमारे कुछ नहीं बचे, चार पीसेस ये बचे, दो ये बचे, एक वो बचा, तो हमारे पास लगभग सारा सामान खत्म हो चुका है। बट कोई ना हमारे पास इस टाइम पैसा काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, तो हम लोग काफी जल्दी उसको भर देंगे वापस से। बट फिलहाल तो हम लोग अपना रूम रेडी करते, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा हम लोगों को मोटेल से ही खर्चा पानी आ रहा है, सबसे पहले इसको निपटाना काफी ज्यादा जरूरी। एंड भाई यहाँ पर हो चुका है अंधेरा, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक लाइट लगा देते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अंधेरे में काम होगा नहीं। एंड ओके यहाँ पर ओके ये रही सीलिंग लैंप। एंड भाई इसको प्लेस कर देते हैं हम लोग, तब तक के लिए एक को यहाँ पर कर देते हैं ताकि भाई थोड़ा बहुत दिखे हम लोग को। एंड इसको ऑन कर देते हैं। एंड अब थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर देते हैं सारी लाइट्स को। एंड ओके सीलिंग लैंप प्लेस। एंड इसको मैं चारों कोनों पे लगाऊंगा, एक यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी, एंड एक यहाँ पर रहेगी। एंड ओके एंड इसको ऑन करके ऑन करते हैं। एंड जो लास्ट वाली जो कि मैंने अभी टेम्पररी लगाई थी ये रहेगी इस कोने पे। एंड लेट्स गो, अब जरा इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। एंड ओके भाई हमारा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड भाई ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो इतना ज्यादा क्रेजी लगने वाला है ये रूम, आप भी कहोगे भाई वाकई में गेमिंग की तो वाइब आ रही है। एंड गाइस क्या आप लोगों के पास आपका गेमिंग रूम है, या फिर भाई आप अपने पेरेंट्स एंड फैमिली के साथ अपना रूम शेयर करते हो, जरा कमेंट सेक्शन बताना। एंड भाई देखो अभी हमारी सिर्फ फर्स्ट लुक है भाई, ये कितनी ज्यादा क्रेजी लग रही है। सोच जब यहाँ पर सारी चीज लग जाएंगे तो भाई ये लुक कितनी ज्यादा मस्त लगने वाली है। एंड फिलहाल तो एक काम कर लेते हैं, हमने अपनी टॉयलेट के टाइल्स नहीं मंगाए, मतलब अपने वॉशरूम के टाइल्स नहीं मंगाए, तो फटाक से इसको भी मंगा लेते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात जब तक हमारी डिलीवरी आए
आएगी तब तक हम लोग काफी कुछ कर चुके होंगे। इतनी चीजें इनफ है, ओके भाई इनको कर देते हैं जब तक हम लोग ऑर्डर, एंड ये धीरे धीरे जब तक आती रहेंगी। एंड फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ पर डोर प्लेस कर देते हैं ताकि भाई हम लोग को सिर्फ अपने रूम का व्यू दिखे, भाई वॉशरूम वगैरह करना दिखे तो काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड गाइस क्या आप लोग यूट्यूब की वीडियोस खाना खाते हुए देखते हो या फिर भाई ऐसे बस एंजॉय करते हो जब भी आप फ्री होते हो, जरा कमेंट सेक्शन बताओ। एंड भाई यहाँ पर मे भी थोड़े से टाइल्स बच रहे हैं, एंड भाई हमारे पास टाइल्स हैं तो भाई इसको भी यहाँ पर निपटा देते हैं, लेट्स गो। हो चुका फाइनल। एंड अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने रूम को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। एंड भाई हमारी पेंट की बकेट भी बच चुकी है, भाई इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एंड भाई अपने रूम को कर लेते हैं बंद। एंड भाई अब हम लोग अंदर से इसको डेकोरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना बेड को प्लेस करेंगे। एंड भाई आप ये बताओ हम लोग बेड अपने यहाँ पर रखें या फिर सेंटर में रखें? आई थिंक हम लोग को यहीं पर रखना चाहिए। ओके भाई ये रहा इसका सेंटर। एंड अब हम लोग लाते हैं अपना बेड शीट, क्योंकि भाई बेड शीट जाहिर सी बात है जरूरी है। एंड भाई बेड शीट को यहाँ पर डालते हैं, एंड इसकी सेकंड बेड शीट। एंड ये रहा ब्लैंकेट, एंड भाई ब्लैंकेट को हम लोग रखेंगे यहाँ पर। एंड भाई इसका दूसरा ब्लैंकेट ये रहा, एंड लेट्स गो हमारे ब्लैंकेट लग चुके हैं। एंड भाई इसकी आई थिंक मैंने एक ही बेड शीट ऑर्डर करी थी तो भाई दूसरी मैं ऑर्डर कर दूंगा, पहले अपना वाला ऑर्डर आ जाए उसके बाद हम लोग ऑर्डर करेंगे। एंड जब तक हम लोग बाकी चीजें प्लेस कर लेते हैं, जैसे कि हमारी प्लो, तो भाई प्लो को हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पर, लेट्स गो। ये रही हमारी प्लो, एंड सेकंड प्लो हमारी होगी यहाँ पर प्लेस। ओके हमारा बेड हो चुका रेडी, लेकिन अभी बहुत कुछ बच रहा है। डोर हमारे लग चुके हैं, सीलिंग लैंप्स लग चुकी है। अब हम लोग को मंगाना है हीटर, क्योंकि भाई हीटर हम लोग अपना यहाँ पर प्लेस करेंगे। मतलब कि मैंने भाई जितनी भी मैचिंग की हो सकती है उतनी ज्यादा मैचिंग की बनाने की रखी है। एंड ये ऑफकोर्स कर्टन्स, भाई मैंने कर्टन्स भी मंगाए। भाई कर्टन मैंने दो टाइप के मंगाए, अब आप मुझे बताने कि मैं कौन से लगाऊं। फिलहाल तो मैं कर्टन ये वाले लगा देता हूँ, एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं ये वाले तो भाई ये भी लगा दूंगा। फिलहाल तो काम करते हैं जब तक इन लोगों को ही लगा देते हैं। एंड भाई इसको यहाँ पर उठाया, थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पर इसको प्लेस किया, लेट्स गो। क्योंकि भाई ये थोड़ा सा व्यू अच्छा दे रहा है ना यहाँ पर, भाई मैं इन वालों को लगा रहा हूँ। एंड यहाँ पर इसको लगा, अब देखो ऐसा लगता है कि विंडो हमारी खुली हुई है, ठीक है। इस टाइप मुझे अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर लगाया, जो कि काफी ज्यादा मुझे मस्त भी लग रहा है। बट फिलहाल तो हम लोग बाद में देख लेंगे, जैसा आपके कमेंट्स आएंगे वैसे हम लोग काम कर लेंगे। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे सीट को, जो कि भाई मैंने मंगाई थी ये। एंड भाई यहाँ पर हम लोग रखेंगे अपना गेमिंग सेटअप, जो कि भाई सबसे ज्यादा यूनिक होने वाला हमारा इस रूम का। एंड ये रहा हमारा ड्रॉल टाइप का, आप कुछ भी कर सकते हो, जो कि भाई जस्ट हमारे बेड के सामने रहेगा। एंड यहाँ पर आप टीवी वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि मैं लगाऊंगा। एंड ये है हमारी डेस्क, जो कि भाई हमारी एक कह सकते हो गेमिंग डेस्क होने वाली, जिसके ऊपर हम लोग अपने मॉनिटर्स एंड भाई पता नहीं क्या क्या रखेंगे, आप बस देखते जाओ। एंड भाई आपके पास कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि मैं सबके सजेशन पढ़ता हूँ कमेंट सेक्शन में। एंड भाई जिसको मुझे अच्छा लगता है उसको मैं लाइक भी करता हूँ। एंड ये देखो भाई अभी से ही कितनी मस्त वाइब आने वाली है, एंड सोचो जब यहाँ पर फिट होगा तो क्या क्रेजी लगने वाला है ये। तो भाई फटाफट से वीडियो को भी लाइक करते चलो। एंड ये रहा हमारा क्लोजेट, जो कि भाई मैंने काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वाला मंगाया है, एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्लोजेट है इस पूरे गेम में। एंड भाई इसको हम लोग प्लेस करेंगे जस्ट यहाँ पर, एंड लेट्स गो। ये देखने में भी काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई। एंड मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपने रूम के सेंटर में एक बड़ी सी सीलिंग लैम्प को लगाया जाए, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में फटाफट से ऑर्डर भी कर देता हूँ, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा क्रेजी लगेगी। एंड ओके वेट अ मिनट, डिलीवरी पे जाते हैं। एंड इक्विपमेंट्स में जो कुछ मंगाना भी था, आई थिंक हाँ मेरे को एक बेड शीट मंगानी थी। एंड ऑफकोर्स भाई एक काम करते हैं, भाई तू बाहर क्यों खड़ा, अंदर आना। अबे अबे थोड़ा सा छोड़ो, मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। अच्छा आई थिंक सामान खत्म हो गया, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग अपनी शॉप को बंद ही कर देते हैं, क्योंकि आज के बाद सामान है नहीं तो कस्टमर्स तो आएंगे एंड वे गाली देके चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ मिलेगा नहीं ना, इसलिए भाई मैंने चलो शॉप भी बंद कर दी है। तो हम लोग ऑर्डर करने वाले थे कुछ बेड शीट्स, जो कि रही ये या सीलिंग लैम्प की मैं बात कर रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग इस वाली सीलिंग लैम्प को यहाँ पर लगाएं, क्योंकि पूरी $18 की है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग इसको काफी इजिली अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग इसको एक ऑर्डर कर देते हैं। लेट्स गो, हमारी ऑर्डर हो चुकी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। एंड ओके अब हम लोगों को चाहिए, एंड आई थिंक ये मैंने वॉल के लिए मंगाए थे, एंड इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। एंड यार काफी अच्छी लुक आने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर भी एक लाइट लगाऊंगा तो भाई काफी सही लगेगा। बट फिलहाल तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, एंड फिर देखते हैं आखिर ये लगने कैसा वाला है। एंड ओके भाई हमारे जो वॉशरूम के टाइल्स थे वो भी एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि वॉल टाइल कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी हम लोग को सीलिंग टाइल्स भी कंप्लीट करने हैं, फेंको मत यार, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रही है चीजें। ये रहा हमारा फ्लोरिंग का, एंड फ्लोरिंग वाले को यहाँ पर लगाते हैं, लेट्स गो। एंड एक यहाँ पर आएगा, लेट्स गो भाई, फ्लोरिंग के टाइल्स ही खत्म हो गए भाई, क्या बताऊं मैं, जो चीज मंगाता हूँ वही चीज की खत्म हो रही है। अरे सीलिंग के मंगाए बल्कि सीलिंग के रखे थे, चलो कोई ना। जब तक कि हम लोग अपने जो जो चीजें हमारे पास हैं वो चीजें लगा देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, एक लाइट को हम लोग लगा देंगे अपने वॉशरूम के अंदर। एंड भाई जब यहाँ पर हम लोग वो लगा देंगे ना बड़ी वाली सीलिंग लैंप, तो भाई ये कोई छोटी सी लाइट वहां पर लगा देंगे। एंड अभी इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पर काफी कुछ चीजें लगानी है, इसको भी बंद कर दो, लेट्स गो। अब हम लोग उठाते हैं अपनी टीवी मंगाई थी, जो कि एकदम भाई कर्व्ड स्क्रीन है। एंड भाई आप देखो कितनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन है भाई, आप देखते जो कितनी ज्यादा क्रेजी लगने वाली है। एंड लेट्स गो भाई साहब। एंड ओके हाँ मेरे को यहाँ पर प्लग लगाना होगा, जिससे कि भाई हमारा जो पीसी है वो कनेक्ट हो सके। एंड भाई मैं उल्टी साइड के लिए क्यों गेट खोलता हूँ हमेशा, बट कोई ना। एंड स्विच कहाँ, अच्छा ये रहा, नहीं ये तो नहीं है,
भाई मैंने एक एक्स्ट्रा स्विच रखा था पर अच्छा हाँ मैंने इसमें वॉशिंग मशीन लगा रखी है भाई साहब, एक में वॉशिंग मशीन लगी है, एक में कंप्यूटर लगा है एंड भाई एक में हमारा फ्रिज लगा है, तो हम लोगों को वो भी मंगानी होगा। मतलब भाई मैं इतनी ज्यादा तैयारी करके रखता हूँ ना, लेकिन फिर भी भाई कुछ ना कुछ रह जाता है। तो एक काम करते हैं हम लोग आउटलेट में एक ही मंगा लेते हैं आउटलेट। हाँ हम लोगों को वो भी चाहिए था ना, फ्लोरिंग के कुछ टाइल्स हमारे कम पड़ गए तो एक पैकेट इसका मंगा लेते हैं एंड आई थिंक इतना एनफ। अगर कुछ चाहिए होगा तो मंगा लेंगे बाद में। व्हीकल इज ऑलरेडी डिलीवरिंग। भाई क्या आ रहा है भाई ऑलरेडी डिलीवरिंग में, मैंने क्या लगाया था? लोगे भाई कुछ तो आया, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या डिलीवरिंग पे लगाया था, बट लेट्स सी भाई खोल के देखते हैं कि आखिर आया क्या है भाई। अबे जल्दी उतर भाई, देखना है कि आखिर क्या आया है। इतना धीरे जो लोग काम करते हैं ना, मन कहता है कि बंदूक निकाल के इसको ही निपटा दें। एंड भाई मैंने सिर्फ बेड शीट मंगाई है, हाँ मैंने एक लाइट मंगाई है, मैं भूल ही गया था। बेटा मिनट इसको भाई अंदर फेंको एंड इसको लेके चलते हैं फटाक से। एंड रुको इसको भी अंदर ही फेंको क्योंकि भाई हम लोग निकाल ही लेंगे एंड इसकी पहले डिलीवरी फिनिश करके भगाते हैं, क्योंकि भाई जस्ट अभी हम लोगों को अपनी फ्लोरिंग टाइल्स को भी ऑर्डर करना है एंड कुछ और भी मंगाना था, मैं भूल गया। हाँ मैंने आउटलेट भी मंगाना है इसका। हाँ तो मैं यहाँ पर लाइट लगाता हूँ बड़ी वाली जो मैंने जस्ट अभी मंगाई है एंड इसको हम लोग प्लेस करते हैं यहाँ पर, आई थिंक ये सेंटर में। लेट्स गो भाई, ये काफी ज्यादा मस्त लग रही है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़े से डिजाइन को चेंज करते हैं एंड मैं यहाँ पर लगाऊंगा ये वाली लाइट, ठीक है एक, एंड ये वाली लाइट को मैं यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा एंड इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर। लेट्स गो, ठीक है अब मैं इसको एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ। ओके भाई अभी हमारे एकदम पूरे रूम में भी पूरी लाइट है एंड अभी हमारे वॉशरूम में भी काफी अच्छे से लाइट है। ओके अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त हमारा रूम ऑलरेडी लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग इसमें और भी ज्यादा डेकोरेशन करने वाले हैं क्योंकि मैंने मंगाई है कुछ और भी चीजें, जैसे कि मैंने मंगाया है कारपेट एंड भाई कारपेट हम लोग रखेंगे यहाँ पर। लेट्स गो एंड भाई देखो पूरी गेमिंग वाइब दे रहा है एंड फिलहाल तो मैंने कुछ और भी चीजें मंगाई, जैसे कि ये हमारी टेबल वॉच एंड भाई इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ मैंने एक मंगाया है मिरर जो कि हम लोग सिंक के साथ लगाएंगे एंड भाई हम काम करते हैं हम लोग अपनी सिंक भी लगा ही लेते हैं एंड गेट खुल जाए भाई एंड यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं अपनी सिंक को एंड सिंक के ही पास में हम लोग लगाएंगे अपनी ये जो मैंने मिरर मंगाया है। एंड भाई कितना घुमा हुआ है भाई, सीधा हो जाओ एंड लेट्स गो। यहाँ पर मिरर, यहाँ पर हमारी सिंक हो गई। अभी हम लोग अपने यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं एंड ये रहा हमारा पेंटिंग जो कि जस्ट हम लोग रखेंगे यहाँ पर, जो कि भाई थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक वाइब देगा एंड भाई इसको हम लोग थोड़ा सा पीसी के सेंटर में रखते हैं जो कि भाई काफी ज्यादा मस्त लगे देखने में। लेट्स गो एंड भाई मैंने और भी कई सारी पेंटिंग्स मंगाई है, मैं बारी बारी से आप सबको दिखाता हूँ। एंड ओके गाइस अब मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है, बल्कि फिलहाल तो मैंने थोड़ी सी डिजाइन बनाने की कोशिश करी है एंड अभी भी हमारे पास एक पेंटिंग बच रही है, तो क्यों ना हम लोग उसको वॉशरूम में कहीं पर लगा दें। एंड फिलहाल तो यहाँ पर जगह नहीं है बट मैं लगा सकता हूँ भाई, जगह हर जगह बन जाती है। एंड ओके अभी हम लोगों ने इतना सब कुछ लगा दिया एंड भाई अभी हम लोग देख के आते हैं कि हम लोगों ने और क्या क्या मंगाया। आई थिंक मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह भी मंगाया तो भाई उनको भी फटाफट रखते हैं एंड भाई फिर देखते हैं कि आखिर हमारा रूम कैसा लगता है। एंड हाँ मैंने एक ये मंगाया था जो कि भाई किसी का स्कल है, आई डोंट नो भाई टेक्नो ने भी ये लगाया है, तो मैंने सोचा देखते कि आखिर गेमिंग रूम में कैसा लगने वाला है, मतलब थोड़ा अच्छा लुक देगा या फिर नहीं। एंड भाई मैं इसको यहीं पर प्लेस करता हूं जहां पर टेक्नो ने लगाया था एंड लेट्स गो भाई। अब देखने में थोड़ा सा क्रेजी लग रहा है, मतलब थोड़ा इवल टाइप लगने लगा है। काम करते हैं पहले तो हम लोग इसको निपटा के आते हैं क्योंकि भाई मुझे ये काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। फाइनल एंड थोड़ा सा हो रहा है एंड लेट्स गो फाइनल एंड इसको हम लोग यहाँ पर रखवा देते हैं। भाई ये जो मैंने छोटे छोटे प्लांट्स मंगाए थे इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। लेट्स गो, देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड भाई मैंने एक और मंगाया थी, मैंने दो मंगाए थे जोड़े से, बट मुझे एक बार सो के आना पड़ेगा क्योंकि भाई अपना प्लेयर काफी ज्यादा धीरे धीरे चलने लगा है, तो फटाक से सो लेते हैं थोड़ा सा। गुड नाइट छोटा सा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो गुड मॉर्निंग तो भाई आपको पता ही कैसी। एंड भाई यार सूरज काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, मतलब कि देख रहे हो आज बारिश नहीं हो रही, वरना भाई सुबह होते होते बारिश हो जाती, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर मंगाया है एक टीवी, मतलब कि जाहिर सी बात है हमारा प्ले स्टेशन के कोई गेम्स तो हम लोग भाई कहाँ खेलेंगे उसे, तो इसके लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा टीवी मंगवाया है जिसको कि भाई हम लोग रखेंगे यहाँ पर एंड लेट्स गो। एंड भाई अभी हमारी ये वाली दीवार जो है वो काफी ज्यादा सोनी सोनी सी लग रही है, इधर तो मैंने काफी मस्त तरीके से भर दिया है बट इधर साइड अभी थोड़ा सा सोना सोना माहौल है, तो इधर साइड का मुझे कुछ करना होगा, देखना पड़ेगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ। एंड मैंने और भी कुछ आई थिंक मंगाया था, लेट्स सी फटाफट से देख लेते हैं एक बार। एंड मैंने एसी मंगाई थी भाई साहब, मुझे एसी लगानी है। एसी रहेगी हमारे जस्ट बेड के ऊपर साइड एंड इसके सेंटर में, ये रही हमारी एसी। एंड भाई ये वाला इसका जो है आउटडोर कंपोनेंट, तो भाई इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एंड लेट्स सी। ओके आई थिंक ये लग चुका है या नहीं लगा आई डोंट नो, बट आई थिंक क्या है भाई ये चल जाए। एंड हाँ मैंने टॉवल का मंगाया था, तो भाई टॉवल वाला यहाँ पर लगा देते हैं। एंड भाई फटाफट से एक काम करते हैं, टॉयलेट पेपर वगैरह रख भी देते हैं। एंड ओके मैंने भाई थोड़े येलो कलर के मंगाए जो कि देखने में भी मुझे सही लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में बताना। एंड भाई मैंने टॉवल थोड़ा पिंक कलर का मंगाया, इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन भाई अभी आप लोग रेटिंग दो 10 में से कि भाई आखिर कितना मस्त लग रहा है। 10 में से आप 9 दे सकते हो, 8 दे सकते हो, 7 दे सकते हो, इवन आप 5 to 6 भी दे सकते हो। तो
आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से रेटिंग दो कि आखिर ये रूम आपको कैसा लग रहा है एज अ गेमिंग रूम। बट अभी हम लोग इसमें और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सोफा मंगाया है एंड अभी हम लोग यहाँ पर काफी कुछ कर सकते हैं, बट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या कुछ करें। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं और क्या कुछ कर सकता हूँ इस गेमिंग रूम में। एंड फिलहाल तो यहाँ पर एक कर्टन लगाते हैं क्योंकि भाई कर्टन की जरूरत है। एंड ये रहा हमारा कर्टन एंड भाई इसको हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पर। लेट्स गो, हमारा कर्टन भी कम्प्लीट हो चुका है। एंड आई थिंक हम लोग को जो जो चीजें चाहिए गेमिंग रूम के अंदर वो यहाँ पर सारी चीजें हैं। हमारे प्ले स्टेशन के गेम्स को खेलने के लिए एक बड़ा सा टीवी, हमारे पीसी गेम्स को खेलने के लिए हमारे पास एक कर्व्ड पीसी है एंड जिसके साथ हमारी पूरी डेस्क रेडी है। एंड भाई हमारा डबल बेड है, हमारे पास हीटर है, हमारे पास एसी है, मतलब कि गर्मी लगे तो भाई अपना एसी चलाओ, ठंड लगे तो आपको हीटर दे रखा है हीटर चलाओ। हमारे पास लाइटिंग की सुविधा काफी मस्त है एंड ऑफकोर्स भाई हमारे पास पेंटिंग्स एंड भाई डेकोरेशन का सामान बहुत कुछ है। एंड मे बी भाई इतना इनफ एंड काम कर लेते हैं हम लोग अपने बाहर से भी इन वाले टाइल्स को लगा देते हैं। आई थिंक इन वाले टाइल्स को लगाने में अच्छा लगेगा या नहीं मुझे एक बार जरा चेक करना। तो मैं एक वाली इस वाली लाइन को कम्प्लीट करता हूँ एंड भाई ये काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है एक्चुअल में। तो काम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा व्हाइट एंड भाई उसके मिक्सर में करते हैं। वेट अ मिनट एंड भाई अब आप मुझे बताओ कि हमारा जो फ्रंट है मैंने कैसा किया, मतलब कि अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। एक बार रूम को बंद कर देते हैं। अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन बताओ कि भाई आखिर हमारा जो फ्रंट है वो कैसा लग रहा है बाकी अदर रूम से। फिलहाल तो भाई बाहर से अगर कोई देखेगा तो भाई पटाक से इम्प्रेस हो जाएगा। एंड ओके अपने सोफे को भी हम लोग रखवाएंगे, एक सेकंड भाई इसको थोड़ा सा घुमाओ एंड हम लोग इसको रखवाएंगे यहाँ पर। ये ओके भाई मैंने इसको प्लेस कर दिया है एंड भाई अब हमारा रूम बिल्कुल ही कम्प्लीट हो चुका है एंड भाई देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग इस रूम का कितना ज्यादा रेंट ले सकते हैं क्योंकि भाई हमारे सामने है एक गेमिंग रूम जो कि भाई अंदर से काफी ज्यादा प्रीमियम एंड भाई लग्जरी रूम है। देखते हैं आखिर हम लोग इसको कितना रेंट ले सकते हैं। एंड हम लोग अपना ऑन कर देते हैं मोटेल एंड भाई अब कस्टमर आने देते हैं। एंड ओके भाई हमारे ऑफिस में है कस्टमर एंड भाई ये भी आई थिंक सिंगल बेड के लिए है बट इसे चाहिए 72 आवर्स के लिए। तो काम करते हैं हम लोग इसको होल्ड ऑन करते हैं एंड भाई इसको हम लोग देंगे फोर्थ रूम की। बट भाई क्या कर रहे हैं, मतलब कि अब बंदा नहीं आ रहा तो भाई किसी को तो देनी है। एंड भाई ये सिंगल रूम के हिसाब से ये हमारा रूम जा रहा है $419 का जो कि भाई हमारे लिए सही है। मतलब कि देखा जाए तो हम लोगों को हर चीज के पैसे मिलने वाले, एसी वगैरह हमारी सब कुछ एकदम चल रही है। एंड भाई ओके मतलब कि आप समझ सकते हो कि भाई हम लोगों ने $2,000 खर्च किए हैं, उसके बाद हम लोगों को $419 में रूम को रेंट आउट करना पड़ा। तो मे बी ये भाई हमारा 12 आवर्स के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव उठ सकता है। तो कैसे आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।